नमस्कार मित्रों। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक और नया पाठ लेकर उपस्थित हूं। तो हम उस पाठ के शीर्षक पे पहुंचे, इससे पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। ओके, सो सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है, अगर मान लीजिए कुछ लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, तो वो लोग कहां जाएंगे? बड़ों के पास जाएंगे। अगर बड़े भी उस झगड़े को ना निपटा पाए तो वो लोग कहां जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। कहां पर जाएंगे? पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन से क्या करेगी? पुलिस जांच पड़ताल करेगी और फिर इस मामले को कहां भेजेगी? आप लोगों को पता है? ओके, मैं बता देता हूं। पुलिस इस मामले को भेजेगी न्यायालय में। भेजेगी कहां? भेजेगी न्यायालय। तो आज जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक न्यायपालिका है। क्या है? न्यायपालिका। और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल साधारण तरीके से समझाया जाए, फिर भी अगर कोई परेशानी हो और आप लोगों को कोई चीज ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि न्यायपालिका हमारे देश में अगर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना है तो उसे किसके पास जाना पड़ेगा? न्यायपालिका के पास। ओके, तो भारत में न्याय प्राप्त, ओके, भारत में न्याय प्राप्त करने करने की व्यवस्था को न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये तो बिल्कुल साफ हो गया होगा कि न्यायपालिका क्या है। अब हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि न्यायपालिका के क्या काम है या न्यायपालिका क्या कार्य करती है। ठीक है,
क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूं कि न्यायपालिका के जो मुख्य कार्य है वो लगभग जितने भी कार्य है उनको लगभग तीन हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तीन हिस्सों में। तो जो सबसे पहले न्यायपालिका का कार्य हम लेंगे वह है मौलिक अधिकारों की रक्षा। मौलिक तो न्यायपालिका का जो सबसे पहला काम है वो क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और किसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना? ठीक है, सिर्फ नागरिकों के। ओके, समझ में आ गया? जो हमारे देश में रहने वाले हैं जिनको यहां की नागरिकता प्राप्त है उन्हीं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है न्यायपालिका। और भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को छह मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको उसके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं या उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति सीधे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे लग रहा है कि उसको उसके उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति सीधे डायरेक्टली, ठीक है, इस मामले में वह व्यक्ति सीधे, ठीक है, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। कहां जा सकता है? इसको हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी के दो शब्द इस्तेमाल करूंगा, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है। ठीक है, ठीक है, जहां जिस जगह का भी, जिस जगह पर भी उसके मौलिक अधिकार, सो मौलिक अधिकारों का जो रक्षण है वो बचाव कौन करता है? न्यायपालिका। ये सबसे पहला कार्य है न्यायपालिका का। अब हम न्यायपालिका का दूसरा कार्य समझते हैं और वह दूसरा कार्य है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है कि जब हमारे देश में जो संसद है वो क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, और कानून बनाती है और कई बार लोगों को ऐसे लगता है कि जो कानून संसद ने बनाया है वह हमारे संविधान के अनुसार नहीं है।
ठीक है, समझ रहा है, वह कानून हमारे संविधान के अनुसार नहीं है। तो जो कानून बनाया है वो किसके अनुसार नहीं है? जो हमारा संविधान है उसके अनुसार ये कानून नहीं है। तो फिर क्या करता है, कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका की शरण में जा सकता है, ठीक है, किसी को भी ऐसा लगे, ठीक है, सॉरी, किसी को भी अब वो कानून को क्या करेगा, चुनौती देगा, कहां पे देगा, न्यायपालिका में, ठीक है। अब वहां पे वो बताएगा कि भाई ये कानून गलत है, ये हमारे संविधान का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, फिर न्यायालय क्या करेगा, पूरा चेक करेगा, जो नया कानून बना है उसको पूरा क्या करेगा, उसकी पूरी समीक्षा करेगा, ठीक है, क्या करेगा, समीक्षा करेगा, उसको चेक करेगा, सारे मतलब जो न्याय के जानकार व्यक्ति है वो सब उसकी कानून की क्या करेंगे, समीक्षा करेंगे, ठीक है। और फिर अगर उस समीक्षा में न्यायपालिका को यह लगता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि ये कानून बिल्कुल सही है, तो वो कानून रहेगा, अन्यथा उस कानून को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा का अर्थ ये हुआ। अब जो न्यायपालिका का तीसरा कार्य है वह है विवादों का निपटारा। क्या है, विवादों का निपटारा। विवाद क्या होते हैं, विवाद झगड़े होते हैं, ठीक है, तो
तो इन सबको कौन निपटारा करता है? कोर्ट या फिर अब पहले हम देखते हैं कि विवाद कैसे लोगों के आपस के विवाद, ठीक है, लोगों के बीच के विवाद, फिर लोग और राज्यों के बीच के विवाद, ठीक है, राज्यों तथा राज्यों के बीच के विवाद। तो इन सारे विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका, ठीक है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, ठीक है, बिल्कुल साधारण उदाहरण है, जैसे राज्यों और राज्यों के बीच में विवादों का उदाहरण है कावेरी नदी के जल का बंटवारा, ठीक है। अब इसमें राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच के विवादों को भी जो निपटाएगा वह कौन निपटाएगा? न्यायपालिका, ठीक है।